हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन जानकारी में। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं एलर्जिक्स इचिंग लोशन के बारे में। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन जानकारी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मेडिसिन, स्किन और ब्यूटी से संबंधित हर तरह का वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों, बिना समय खराब किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एलर्जिक्स इचिंग लोशन, तो दोस्तों यह खुजली के लिए बनाया गया एक बहुत ही अच्छा लोशन है। अपन इस वीडियो के अंदर इसकी प्राइस, इसके बेनिफिट, इसके यूजेज और इसके डोजेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। दोस्तों, यह जो एलर्जिक्स लोशन है, यह एक प्रकार से एंटी इचिंग लोशन है। मतलब कि यह यदि आपके शरीर के अंदर कहीं पर भी खुजली चल रही है तो यह उसे रोकने में काफ़ी अच्छी फायदेमंद लोशन है। अपन दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो यह जो मेरे पास 30 ml की डिब्बी दिख रही है, इसकी प्राइस मात्र 97 रुपये है, जिसके अंदर दोस्तों 30 ml की डिब्बी आपको दी जाएगी। दोस्तों, बहुत ही आसानी से यह आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है और इसकी प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। यदि दोस्तों आपके शरीर पर कहीं पर भी खुजली की समस्या रहती है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यह है स्टेरॉयड फ्री है और फ्रेग्रेंस फ्री है। मतलब कि दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं दिया गया। दोस्तों, प्योर तरीके से इसके अंदर आयुर्वेदिक कंटेंट भी दिए गए हैं, जैसे कि ग्लिसरीन हो गया, लाइट वेट हो गया, एलोवेरा हो गया। तो दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल कंटेंट्स दिए गए हैं और यदि आपके शरीर के अंदर बॉडी के कहीं पर भी यदि खुजली की समस्या रहती है तो दोस्तों आप इसमें से जो ड्रॉप होती है उसे निकाल कर अपने जहाँ खुजली हो रही है उस हिस्से पर लगाकर अपने हाथ से मसाज कर लें। दोस्तों, बहुत ही अच्छा यह खुजली में राहत देने के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है और बहुत ही आसानी से यह आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। दोस्तों, यह एक प्रकार से स्टेरॉयड फ्री है। तो दोस्तों, आप इसे तो दिमाग से निकाल दीजिए कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। बट दोस्तों, यदि आपको इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, मतलब कि वापस से आपके शरीर पर खुजली होने लग जाती है या फिर लाल लाल चकते के निशान होने लग जाते हैं, तो दोस्तों आप इसका उपयोग करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका उपयोग करें। दोस्तों, बहुत ही आसानी से यह आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। अब दोस्तों, अपन बात करते हैं इसको यूज कैसे करना है। तो दोस्तों, आपको इसकी लेयर को हटा लेना है और जो इसके अंदर लोशन दिया गया है और जहाँ पर आपकी खुजली चल रही है उस हिस्से पर 5 से 6 बूंद इस लोशन की डालनी है और दोस्तों अपने हाथों से उस हिस्से को मसाज करना है। दोस्तों, 1 से 2 मिनट तक बहुत ही अच्छे तरीके से मसाज कीजिए। आप इसे दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपके कोई घाव है, इन्फेक्शन वाला एरिया है या फिर कोई स्किन जली हुई है तो दोस्तों आप उसे अवॉइड करें, उससे दूर रखें। क्योंकि दोस्तों, यदि आप इसे अपनी बर्निंग स्किन पर लगाओगे या फिर घाव पर लगाओगे तो दोस्तों जलन होने की संभावना रहती है और उसके अंदर इन्फेक्शन बैक्टीरिया होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो दोस्तों, यदि आपके ऐसा कोई हिस्सा है बॉडी के अंदर जहाँ पर स्किन बर्निंग हो गई, इन्फेक्शन हो गया हो या फिर घाव हो गया हो तो दोस्तों वहाँ पर इसे अप्लाई बिल्कुल नहीं करें। और दोस्तों, यूज करने के बाद इसकी आप कैप को अच्छी तरह से टाइट करके वापस रख दीजिए। दोस्तों, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि आपके हाथ पैरों के अंदर खुजली चलती है, जेनाइटल पार्ट्स पर खुजली चलती है या फिर कान के पीछे खुजली चलती है, हाथों के नीचे खुजली चलती है, तो दोस्तों आपके बॉडी के कहीं पर भी यदि खुजली की समस्या रहती है तो बहुत ही अच्छा यह लोशन बनाया गया है। आप इसका उपयोग बेझिझक कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही आसानी से यह आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। और यदि दोस्तों आप इसको यूज करते हैं और यदि आपको स्किन पर रेडनेस आ जाती है तो आप इसका उपयोग करना बंद कर दें। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा यह है इचिंग लोशन बनाया गया है। यदि आपके बालों के अंदर भी खुजली है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ की अंगुलियों के बीच में खुजली ज़्यादा चलती है तो आप इसे लगा सकते हैं, या बॉडी के जेनाइटल पार्ट्स पर भी खुजली चलती है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर दोस्तों अपने हाथों की जो बाएँ होती हैं वहाँ पर भी खुजली चलती है तो वहाँ पर भी आप इसे लगा सकते हैं, या फिर दोस्तों अपने पाँव की पिंडियों के अंदर, या फिर दोस्तों कहीं पर भी ऑल बॉडी पार्ट्स पर खुजली की समस्या रहती है तो यह उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया गया है। यदि दोस्तों आप इसका उपयोग 1 से 2 दिन तक कर लेते हैं तो दोस्तों आपको खुजली से राहत मिल जाएगी। और यदि दोस्तों आप इसका उपयोग 6 से 7 दिन लगातार कर लेते हैं
तो दोस्तों जो इचिंग वाला एरिया है वहाँ पर जो फंगस के जो बैठे हुए हैं बैक्टीरियाज वह किल हो जाते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर आपको फिर से वापस खुजली देखने को बहुत कम मिलेगी और दोस्तों आपकी स्किन पर इचिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बताया है एलर्जिक एंटी इचिंग लोशन के बारे में, जो कि एक स्टेरॉइड फ्री है, मतलब कि केमिकल फ्री है और बहुत ही आसानी से यह आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। यदि दोस्तों आपको इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली तो यार वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।